आज रात जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात फिर बंद, कल सवेरे हो जाएगा बहाल। आज शाम 5 बजे के बाद नगरोटा से और शाम 6 बजे के बाद उधमपुर से कोई भी वाहन आगे नहीं जा सकेगा। रविवार सुबह यातायात बहाल किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार की रात फिर यातायात बंद रहेगा। इससे पहले वीरवार की रात भी हाईवे को मरम्मत कार्य के चलते बंद रखा गया था। गांधरबल में हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी के 127वें उर्स में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग बाबा नगरी पहुंचे। उर्स में हिस्सा लेने के लिए पुंछ, रजौरी, कठुआ, कालाकोट, डोडा, शोपियां, पांडीपोरा, बारामूला, गांधरबल और अन्य जिलों से हजारों लोगों ने दो दिनों तक चले उर्स में भाग लिया। जगतगुरु भगवान गोपीनाथ जी की वार्षिक महायज्ञ भगवान गोपीनाथ जी आश्रम उदयवाला में हुआ आज संपन्न। शिरकत किए हुए लोगों ने कहा, भगवान गोपीनाथ का कहना, मिलजुल कर प्यार की भावना के साथ सबको चाहिए रहना। शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत आने वाली पहली गेस्ट बनी शेख हसीना। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए विशिष्ट अतिथियों के आगमन की शुरुआत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के साथ हो गई है। अमरनाथ धाम पर बिगड़ा मौसम, पहाड़ों पर हुआ हिमपात, बारिश बर्फबारी के आसार। कश्मीर में मौसम ठंडा बना हुआ है। शुक्रवार को कश्मीर में गुलमर्ग, श्री अमरनाथ धाम व साधना पास के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी और श्रीनगर समेत कश्मीर के अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा जारी रही। पूरे कश्मीर में अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। वहीं जम्मू में भी गर्मी से कुछ राहत है। जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गोलाबारी में एक मजदूर की मौत हो गई। आनन-फानन में मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। मजदूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक निर्माण परियोजना पर काम कर रहा था। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बीएसएफ और पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा के लिए कसी कमर, बेस कैंप में 20 जून तक कार्य पूरा करने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप में 20 जून तक सभी कार्य खत्म करने के निर्देश दिए हैं। नेहरू के बाद मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता पाने वाले पहले पीएम। राष्ट्रपति धनखड़ ने संसद को लेकर दिया बड़ा बयान। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि 6 दशक में ये पहली बार हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटा है। 1962 के बाद किसी प्रधानमंत्री को पहली बार तीसरा कार्यकाल मिला है।